Please make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also, follow me on Instagram. My Instagram handle is @theratecookrecipes123. There, I share the live updates of what I do and what I eat. Now I'm gonna try the Indian main course. यहाँ पे ना सभी चीज़ें मेरी फेवरेट है. मैंने पहले ट्राई कर रखा है सब कुछ, बिकॉज यहाँ पे हम इतनी बारी डिनर के लिए आ चुके हैं. Here's the जीरा राइस. ज़ीरा राइस ना मेरे को ज़्यादा पसंद है नॉर्मल स्टीम्ड राइस से, बिकॉज ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है ये. इसके अंदर ना रोस्टेड ज़ीरा है और धनिया है, जिससे कि बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है. इसे मैं पेयर करूँगी राजमा के साथ, इसका राजमा, और काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे. Here's the सोया चाप करी. एंड दिस इज़ द भिंडी. ये है भिंडी दो प्याज़ा. भिंडी को आप रोटी, नान, इन सब चीज़ों के साथ पेयर कर सकते हो. और ये सब ऑर्डर करना होता है लाइव काउंटर से. मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरे को राइस ज़्यादा अच्छे लगते हैं. भिंडी को मैं ऐसे ही इंजॉय करूँगी. हे इज़ द पीनट सब्स कबाब. और ये मैं पहले लाना भूल गई थी स्टार्टर्स के साथ, तो मैं अब ले आई हूँ. तो पहले मैं ये सब्स कबाब ही ट्राई करूँगी. ये यहाँ पे ना होते हैं यूजुअली स्टार्टर्स में, वरना पनीर टिक्का होता है. ये ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है आज हर बारी के कंपैरिजन में. और ना पीनट्स का बहुत अच्छे से क्रंच आ रहा है इसके अंदर. इन्होंने होल पीनट्स डाले हुए हैं सोक करके. और रोस्टेड बेसन है, थोड़ा सा पनीर है और बहुत सारे स्पाइसेस हैं. बेसिकली दिस इज़ अ यमी स्नैक. ये देखने में क्रंची क्रिस्पी लग रहा है मगर है नहीं, बिल्कुल मेल्ट इन माउथ टेक्स्चर है इसका. अगर आपको पीनट्स पसंद है तो ये आपको बहुत यम्मी लगेगा. आप इसे हरी चटनी या प्याज के साथ भी पेयर कर सकते हो. ये ना इसके ऊपर से चाट मसाला भी डालते हैं, उससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है. नाउ आई एम गोना ट्राई द भिंडी की सब्ज़ी. काफ़ी अच्छी सी दिख रही है ये, पैन फ्राई करके बनाते हैं. स्पाइसी दिख रही है भिंडी, थोड़ी क्रंची भी लग रही है मेरे को. तो इन्होंने फ्राई कर रखी है क्योंकि इसके अंदर टमाटर है, प्याज है, अदरक है. और आप खा के देखते हैं इसका फ्लेवर कैसा है. चीज़ें तो इसमें बहुत सारी डली हुई हैं. इसका मसाला ना परफेक्ट है. प्याज टमाटर अच्छे से भुने हुए हैं जिससे कि ना फ्लेवर निकल के आ रहा है. वैसे तो एक ड्राई सब्ज़ी है मगर इसमें मसाला इतना अच्छे से डाला है ना उन्होंने, स्पेशली ये जो प्याज टमाटर है उसकी वजह से ना हल्की सी ग्रेवी टाइप भी बन गई है इसकी. तो आप इसे रोटी पराठे के साथ खाओगे ना बहुत मज़ा आएगा. मैं ना ब्रेड ऑर्डर करती नहीं हूँ यूजुअली बुफे में, बिकॉज ना पेट एकदम से भर जाता है और फिर डेजर्ट वगैरह ट्राई नहीं कर पाते. अब हम ट्राई करेंगे सोए चाप, जो कि टमाटो करी में बना रखी है इन्होंने. काफ़ी सॉफ्ट होती है इनकी सोए चाप. एंड इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन लाइक मी तो ये अच्छा अल्टरनेटिव है यहाँ पे नॉन वेज डिशेस के लिए. ये तो है सोया चाप करी. वैसे ना यहाँ पे एक पनीर की करी भी है जिसका नाम है रेशमी पनीर, बट बिकॉज पनीर इज़ नॉट माई फेवरेट वो मैं लाई नहीं. तब सोया चाप ट्राई करते हैं ऐसे ही. hmm.
काफ़ी यमी है और ना हर बारी से थोड़ी डिफरेंट है। इन्होंने ना इसे डेफिनेटली पहले तंदूर में कुक किया है मैरिनेट करके और उसके बाद ग्रेवी में डाला है, बिकॉज ना हल्का सा चार दिख रहा है और हल्का सा बाइट है सोया चाप में। यूजुअली ऐसे लगता था कि ना बॉइल्ड सोया चाप डाल दिया है, मगर आज इन्होंने तंदूरी सोया चाप डाली है इसमें। बिकॉज इन्होंने सोया चाप को पहले तंदूर में कुक किया और फिर ग्रेवी में डाला है आज, ये ना ज़्यादा फ्लेवरफुल लग रही है, ग्रेवी एकदम अंदर तक चली गई है। मैं ना सोच रही हूँ एक बाइट ना राइस के साथ लेके देखते हैं उसका। प्लेन तो हमने ट्राई कर ली, अच्छी लग रही थी, मतलब आप स्नैक की तरह खा सकते हो इसके पीसेस, बहुत ही यम्मी लगेगा। अब राइस के साथ भी खाते हैं, लच्छा पराठा भी मंगा सकते हो, वैसे तो अच्छा कॉम्बिनेशन है सोया चाप एंड लच्छा पराठा का। टू गुड, टमेटो ग्रेवी में तो कोई भी डिश हो बहुत अच्छी लगती है राइस के साथ। अब मैं ये राजमा ट्राई करूँगी, आई गेस ये ना इन्होंने चितली राजमा से बनाया है, बिकॉज काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा और क्रीमी सा राजमा है ये। इसके अंदर मेरे को टमाटर दिख रहे हैं और राजमा एकदम अच्छे से पका हुआ दिख रहा है, काफ़ी मशी लग रहा है। तो राइस के साथ इसका एक बाइट बनाती हूँ। वैसे राजमा चावल किसे नहीं पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है। और ना आज मैं YouTube पे एक वीडियो भी देख रही थी रणवीर ब्राल की, तो बहुत यमी राजमा बना रहा था शेफ, तो ना मेरा मन कर रहा था और मैं विश कर रही थी कि रात को बुफे में राजमा मिल जाए तो मज़ा आ जाए। एक बड़ा सा बाइट लेने वाली हूँ मैं राजमा चावल का, प्याज चटनी ये सब आप पेयर कर सकते हो इसके साथ। मज़ा आ गया, राजमा काफ़ी सॉफ्टी है और ना परफेक्टली कुक्ड है, हींग का भी फ्लेवर आ रहा है इसमें और धनिया तो डाल ही रखा है जिससे कि इसका अरोमा बढ़ गया है। ज़ीरा राइस के साथ ना इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है, स्टीम राइस ना ओके ओके से लगते हैं, मज़ा नहीं आ रहा खा के। यहाँ पे बुफे में जब भी वेजिटेबल पुलाव या फिर ज़ीरा राइस होते हैं ना मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। सो यार गाइस, नाउ आई फिनिश माय फूड एंड मीट विद द डिज़र्ट। मेरी बहन तो ऑलरेडी ले आई है अपने लिए, बिकॉज ना वो जल्दी खाना खा लेती है मुझसे क्योंकि मैं वीडियो बनाती रह जाती हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं खाना फिनिश करती हूँ और कुछ मीठा लेके आती हूँ। फिर नाउ आई गोना ट्राई द डिज़र्ट्स और यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ गुलाब जामुन एंड दिस इज़ द चॉकलेट ट्रफल केक। काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये, क्रीमी सा, और एक स्लाइस मैं खुद ही कट करके लाई हूँ तो ना थोड़ी सी अनइवन कट हुई है, बट कोई बात नहीं। केक मेरे को थोड़ा डेंस लग रहा है इसके अंदर मैं स्पून डाल रही हूँ तो, बट मे बी इसमें चॉकलेट ज़्यादा है इसलिए ऐसा लग रहा है। लेट्स गिव इट अ ट्राई। वैसे तो यहाँ के केक्स ना अच्छे होते हैं, हम काफ़ी बारी घर भी ले जाते हैं। केक थोड़ा डेंस तो लग रहा है, मगर ना इसमें इन्होंने इतनी सारी चॉकलेट सॉस डाल रखी है और ऊपर से चॉकलेट गनाश लगाया हुआ है। चॉकलेट गनाश ना बिल्कुल ठीक मीठा है इनका, आई मीन डार्क चॉकलेट है ये, तो बुरा नहीं लग रहा है। बट हाँ, केक थोड़ा और सॉफ्ट हो सकता था तो ये बेटर लगता। मैं गुलाब जामुन खा के देखते हैं गुलाब जामुन कैसा है। आज ना यहाँ पे केक भी हार्ट शेप में था, मे बी वैलेंटाइंस के थीम पे बनाया हो, तो वो तो आपने वीडियो के क्लिप में देख ही लिया होगा जो मैंने डेजर्ट काउंटर का बनाया है। नाउ आई ट्राई द गुलाब जामुन, काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे, सॉफ्ट होता है, ऊपर इसके पिस्ताशियो डला हुआ है। गुलाब जामुन मैं कटोरी में लाई थी मगर ना उसमें चाशनी इकट्ठी हो गई है, तो सोच रही इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। मुझे ना शुगर सिरप पसंद नहीं है, आई नो गुलाब जामुन में डलना तो होता ही है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि ना हटा के खाऊँ थोड़ा, बिकॉज फिर मीठा कम लगता है। ओह, ये तो स्टफ़ गुलाब जामुन है, इसके अंदर भी स्टफिंग हुई है ड्राई फ्रूट्स की, तो काफ़ी हैवी होने वाला है ये। पहला वाइट लेते हैं गुलाब जामुन का, इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करके ना ये शुगर सिरप निकाल लेती हूँ इससे। मैंने ना देखा है काफ़ी लोग गुलाब जामुन या रसगुल्ले की चाशनी भी पी लेते हैं, आई डोंट नो कैसे करते हैं वो। कमेंट करके बताओ आपको चाशनी सही लगती है क्या, मैं तो हटा के ही खाती हूँ हमेशा। गुलाब जामुन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है,
यहाँ पे ना अलग अलग टाइप के पेस्ट्री और मोस भी थे, उन सब में एक था तो वो मैं लेकर नहीं आ पाई। गुलाब जामुन बहुत यमी है, और मैं कंपेयर करूँ इन दोनों में से गुलाब जामुन इज़ डेफिनेटली बेटर, क्योंकि केक सॉफ्ट हो सकता था मगर है नहीं। गुलाब जामुन काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा सा कलर है गुलाब जामुन का, जस्ट लुक एट दैट गोल्डन कलर, कितना अच्छा दिख रहा है। अ लॉट ऑफ यू गाइस वॉच माई वीडियोज़ बट डू नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट विल नॉट ओनली सपोर्ट मी बट ऑल्सो मोटिवेट मी क्रिएटिंग मोर सच वीडियोज़।